वेलकम टू द लास्ट पेपर। दोस्तों हम पॉलिटी को पढ़ रहे हैं, पॉलिटी के किसी एक टॉपिक को सिलेक्ट करते हैं, उसके विषय में अच्छे से डिस्कस करते हैं, इसके बाद उस विषय से संबंधित उस टॉपिक से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। पहले हम पॉलिटी को टॉपिक वाइज और वन लाइनर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। जब ये पूरा ख़त्म कर लेंगे, फिनिश कर लेंगे, पूरी तरह से पढ़ लेंगे, इसके बाद पॉलिटी से संबंधित टॉप 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले के वीडियोज में कुछ पॉलिटी के टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं। आज का टॉपिक है भारत का राष्ट्रपति, तो हम भारत के राष्ट्रपति को डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं भारत का राष्ट्रपति। तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति के विषय में अनुच्छेद 52 से लेकर 61 में दिया गया है। तो हम जान लेते हैं अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक हमारे संविधान में राष्ट्रपति के विषय में क्या दिया गया। तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। क्या अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 53 में क्या है? तो अनुच्छेद 53 में दिया गया है कि राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रधान होता है। राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रधान होता है। ठीक, क्या कार्यपालिका प्रधान राष्ट्रपति होता है? किसकी? संघ की कार्यपालिका प्रधान। अनुच्छेद 54 में दिया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन के विषय में। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के विषय में दिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में तीन मंडल भाग लेते हैं। पहला, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। दूसरा, राज्यों की विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्य। तीसरा, विधान परिषद के सदस्य। तीन निर्वाचन मंडल भाग लेते हैं। फर्स्ट, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। सेकेंड, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। थर्ड, विधान परिषद के सदस्य। और वो सदस्य विधान परिषद के और संसद के जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। जिस व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने के लिए सिलेक्ट किया जाएगा, उसके नाम का अनुमोदन संसद में कम से कम 50 सांसदों ने किया हो। जब 50 सांसद उसके नाम का अनुमोदन करते हैं, तब वो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल हो जाता है। ठीक है, इतना था। अब हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल के विषय में दिया गया है। क्या? अनुच्छेद 56 में दिया गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति चाहे तो समय से पहले अपना त्यागपत्र किसे? उपराष्ट्रपति को दे सकता है। राष्ट्रपति चाहे तो समय से पहले अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देकर पदमुक्त हो सकता है। ठीक, यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित है तो राष्ट्रपति के कर्तव्य का पालन कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। ठीक है, यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित है तो राष्ट्रपति के कर्तव्य का पालन उपराष्ट्रपति करता है, और यदि उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित है तो राष्ट्रपति के कर्तव्य का पालन मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं। ठीक है, यदि किसी कारण से राष्ट्रपति का पद खाली है तो 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का निर्वाचन करवाया जाएगा। क्या? 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का निर्वाचन करवाया जाएगा। ये तो था अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 57 क्या है? तो अनुच्छेद 57 में दिया गया है दोबारा निर्वाचन, मतलब एक व्यक्ति एक से अधिक बार राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, ये अनुच्छेद 57 में दिया गया है दोबारा निर्वाचन। एक व्यक्ति को दोबारा राष्ट्रपति पर निर्वाचित किया जा सकता है। राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन योग्य होता है, परंतु कितनी बार होता है ये हमारे संविधान में नहीं दिया गया। तो हमें याद रखना है कि अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति को दोबारा निर्वाचन के विषय में दिया गया है। अनुच्छेद 58 में क्या दिया गया? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, अनुच्छेद 58 में योग्यता के विषय में दिया गया है, राष्ट्रपति की योग्यता के विषय में। क्या? कि भारत का नागरिक हो। ठीक, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या जरूरी है? भारत का नागरिक हो, वो किसी लाभ के पद पर ना हो, सरकारी लाभ के पद पर ना हो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ये चीज़ें थी। क्या थी? फर्स्ट, भारत का नागरिक हो। सेकेंड, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। थर्ड, किसी लाभ के पद पर ना हो। फोर्थ, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ये तो हो गया योग्यता, राष्ट्रपति बनने की योग्यता अनुच्छेद 58 में। अब अनुच्छेद 60 में क्या दिया गया? अनुच्छेद 59 निश्चित है
अनुच्छेद 60 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 60 में दिया गया शपथ के विषय में, राष्ट्रपति की शपथ के विषय में। क्या राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। अगर वो अनुपस्थित हैं या उनका पद किसी कारणवश खाली है तो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 60 को पढ़ लिया, अब 61 को पढ़ते हैं। 61 को, 61 में दिया गया है महाभियोग के प्रस्ताव पर, क्या राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जाए? तो देखिए, महाभियोग का संसद में प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक। इस प्रस्ताव को लाने के लिए कम से कम 1/4 सदस्यों की सहमति जरूरी है, तब तो हम प्रस्ताव ला सकते हैं, ठीक। और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर पदमुक्त करने के लिए जब प्रस्ताव लाया जाए उसके बाद 2/3 बहुमत से प्रस्ताव, ये महाभियोग का प्रस्ताव पास हो सकता है, इससे राष्ट्रपति पर महाभियोग लग जाएगा, ठीक। अब ये तो था अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक, ठीक। क्या ये तो था अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक। अब हम कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें जान लेते हैं। क्या राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार होता है? क्या राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार होता, तो इसके ये किस अनुच्छेद में दिया गया? तो राष्ट्रपति को क्षमादान के अधिकार के विषय में अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 72 में दिया गया है, ठीक है। देखिए एक और चीज़ है, अनुच्छेद 143, ये भी राष्ट्रपति से संबंधित है, इसको पढ़ा चुके हैं लेकिन फिर से जान लेते हैं। 143, राष्ट्रपति 143 किससे कहता है? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस से। मतलब ये है, ये एक ट्रिक दे रहे हैं, हालांकि सीरियस मत लेना। राष्ट्रपति को विषय में 100 अनुच्छेद 143 में दिया गया है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत लोक महत्व के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है, लेकिन वो परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। वो परामर्श ले लिया, अब राष्ट्रपति की मर्जी, उसको मानेगा या नहीं मानेगा, जो भी अच्छी बात, ठीक। अब संयुक्त अधिवेशन, क्योंकि राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन आहूत करता है, इसके विषय में हम पहले के टॉपिक में पढ़ चुके हैं। तो देखिए जो संयुक्त अधिवेशन है वो किस स्थिति में लाता है? संयुक्त अधिवेशन के विषय में अनुच्छेद 108 में दिया गया है, ठीक है। क्या है? साधारण विधेयक पर मतभेद उत्पन्न होने पर संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति आहूत करता है। आहूत करना मतलब बुलाना, ठीक। ये कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, आहूत करना, और भी कई वर्ड हैं जिनका एक मीनिंग होता है, एक अपना मीनिंग होता है पॉलिटी के अकॉर्डिंग। तो संयुक्त अधिवेशन के विषय में जान लेते हैं। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। क्या संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है? तो अनुच्छेद 108 के अकॉर्डिंग, ठीक है। किस कंडीशन में बुलाया जाता है? जब किसी साधारण विधेयक पर मतभेद उत्पन्न हो जाता है लोकसभा और राज्यसभा के बीच, उस कंडीशन में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। अच्छा, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा सदस्य संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, ठीक। ये तो हो गया संयुक्त अधिवेशन के विषय में। अब राष्ट्रपति अध्यादेश भी जारी करता है। क्या अध्यादेश? तो इसके विषय में जान लेते हैं। तो राष्ट्रपति के अध्यादेश के विषय में अनुच्छेद 123 में दिया गया। क्या? संविधान में अनुच्छेद 123 में अध्यादेश के विषय में दिया गया, ठीक। अनुच्छेद 123 के तहत जब दोनों सदन में सत्र ना चल रहा हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, या 6 महीने के अंतराल पर अध्यादेश जारी किया जा सकता है, ठीक। और 6 सप्ताह तक ये प्रभावी रहता है, ठीक। क्या 6 महीने के अंतराल के बाद अध्यादेश फिर से जारी किया जा सकता है और 6 सप्ताह तक यह प्रभावी रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के जो आपातकाल, ठीक, आपातकाल के विषय में जान लेते हैं। आपातकाल के विषय में अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 में दिया गया है। अनुच्छेद 352 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 352 में दिया गया है बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह जैसी समस्या उत्पन्न होने पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात लगाता है, ठीक। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात, ठीक। तो 52 को हम समझा चुके हैं। क्या? कि जब बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह जैसी स्थिति उत्पन्न होती है तो राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है अनुच्छेद 352 के द्वारा, ठीक है। अनुच्छेद 352 अब तक कितनी बार लगाया है? तो आपको बता दें, अनुच्छेद 352 का प्रयोग मतलब क्या है कि राष्ट्रपति या राष्ट्रीय आपात कब लगा है? 1971 में, 1971 में भारत और पाकिस्तान युद्ध के समय, ठीक। अनुच्छेद 75 में आंतरिक कारणों के कारण, जब प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी जी। और एक बार लगा था अनुच्छेद 1962 में भारत और चाइना युद्ध के समय, ठीक। ये तो हो गया
अनुच्छेद 352, 356 क्या है, 356 में है राष्ट्रपति शासन। किसी राज्य का जब संवैधानिक तंत्र असफल हो जाता है या विफल हो जाता है तो राज्यपति के जो राज्यपाल होता है, राज्य में जो राज्यपाल होता है उसके प्रतिवेदन के कहने पर राष्ट्रपति राष्ट्रपति शासन लगाता है। ठीक है, सबसे पहले राष्ट्रपति शासन पंजाब स्टेट में लगा था, भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन पंजाब स्टेट में लगा था। ठीक, इसके बाद 360 वित्तीय आपात, वित्तीय आपात को आज तक एक बार भी नहीं लगाया गया है। ठीक, ये कब लगता है, जब वित्तीय समस्या उत्पन्न होने पर, वित्तीय समस्या उत्पन्न होने पर ये वित्तीय आपात का प्रयोग किया जाता है या वित्तीय आपात लगाया जाता है, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात लगाया जाता है। जी, तो हमने आज राष्ट्रपति के विषय में जान लिया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वन लाइनर क्वेश्चन। क्या वन लाइनर क्वेश्चन? ठीक है, राष्ट्रपति, भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति, राष्ट्रपति भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है या कार्यपालिका प्रावधान होता है, तो कार्यपालिका प्रावधान राष्ट्रपति होता है। ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये अनुच्छेद 53 में दिया गया है। ठीक, अभी हमने पढ़ा, भारत की तुलना में किस देश के सम्राट से की जाती है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जाती है? तो ब्रिटेन के सम्राट से भारत के राष्ट्रपति की तुलना की जाती है। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ किसमें निहित होती? तो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अभी पढ़ा, राष्ट्रपति के पद की उम्मीदवारी के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। भारत का नागरिक हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमण प्रणाली द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इस पद्धति से भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग कोई भी चुनाव होता है वो निर्वाचन आयोग ही संचालित करता है। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले कहाँ भेजे जाते हैं? तो उच्चतम न्यायालय में भेजे जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों में होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों में होता है? 5 वर्ष में भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो महाभियोग के द्वारा। क्या? महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, किसके द्वारा? महाभियोग के द्वारा। महाभियोग के विषय में कितने में दिया गया? तो अनुच्छेद 61 में महाभियोग के विषय में दिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? संविधान का अतिक्रमण करने पर। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से। अमेरिका से क्या लिया? महाभियोग का सिद्धांत। और क्या दिया गया? हमारी न्यायपालिका के विषय में अमेरिका संविधान से लिया गया है। ठीक, और जो 12 सदस्यों का अनुमोदन होता है ये भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। भारत के राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। कौन? भारत के, या फिर मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थित में जो वरिष्ठ न्यायाधीश होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? अनुच्छेद 60 के अंतर्गत शपथ ग्रहण करता है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? तो उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। ठीक, राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। ये हम पढ़ चुके हैं। भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए? तो नीलम सजीवन रेड्डी निर्विरोध चुने गए। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? तो बिहार से। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बिहार थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई? डॉक्टर जाकिर हुसैन की। उनका कार्यकाल खत्म होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? तो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। ठीक, वित्त तो किसकी नियुक्ति करता है? राज्यपाल की नियुक्ति भारत का उपराष्ट्रपति करता है। वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? राष्ट्रपति की। लोकसभा राज्यसभा में कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 14। राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा में कुल 14 सदस्य मनोनीत कर सकता है। ठीक, राज्यसभा में
राज्यसभा बा लोकसभा व राज्यसभा में कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 14 सदस्य मनोनीत कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? संघीय परिषद राष्ट्रपति को सलाह देती है। कौन सा व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति या उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा? तो एम हिदायतुल्ला। ये ऐसे राष्ट्रपति थे ऐसे सॉरी ये ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने राष्ट्रपति के कार्य का भी कार्य किया। किस विधेयक की राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता? धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता। देखिए राष्ट्रपति में वीटो पावर होती है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी नहीं डिस्कस किए हैं। वीटो पावर के अकॉर्डिंग वो चाहे तो किसी विधेयक को अपने पास रख लेता है और उसके वो बस ऐसे ही पड़ा रहता है, उसके विषय में कोई आगे कार्यवाही नहीं होती, वो जब तक चाहे तब तक अपने पास रख सकता है, इसको वीटो पावर कहते हैं। नेक्स्ट, युद्ध व बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर क्षमा दे सकता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को अधिकार होता है क्षमादान का अधिकार। भारत के राष्ट्रपति ने पहली बार किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया? तो डाकघर अधिनियम, भारतीय डाकघर अधिनियम में वीटो पावर का प्रयोग किया। भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, ये हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, अध्यादेश जारी करने का राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? विधायी अधिकार। विधायी अधिकार है अध्यादेश जारी करने का, 6 सप्ताह तक प्रभावी रहता है। अध्यादेश के विषय में अनुच्छेद 123 में दिया गया है, ये हम पढ़ा चुके हैं अभी। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? संसद व विधानसभा सदस्यों द्वारा। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारतीय गणतंत्र की कौन सी राष्ट्रपति थी? 12वीं राष्ट्रपति थी और पहली महिला राष्ट्रपति थी भारत की। कौन? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन से राष्ट्रपति 2 बार चुने गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऐसे राष्ट्रपति थे जो 2 बार चुने गए। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना किसके अधिकार में आता है? तो राष्ट्रपति के अधिकार में आता है, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है, जाहिर सी बात है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के चुनाव कैसे हुआ? तो संविधान द्वारा हुआ था, क्योंकि हम आज़ाद हो चुके थे, हमारा संविधान लागू हो चुका था। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है, 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है, टोटल 14 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। राष्ट्रपति टोटल 14 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, ठीक, 12 सदस्यों को राज्यसभा में और 2 सदस्यों को लोकसभा में, ठीक है। ये पहले भी अभी वन लाइनर क्वेश्चन में आया था ये क्वेश्चन कि 14 सदस्यों को, उससे पहले भी डिस्कस किया था। भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो 5 लाख रुपये था, पहले था 1.5 लाख रुपये, इसको बढ़ा के 5 लाख रुपये कर दिया गया। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? तो 3 वर्ष के लिए रह सकता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य क्या होता है? तो राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, ठीक। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? तो राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक व अनुमोदकों की संख्या कितनी होती? 50-50। मतलब ये होती कि राष्ट्रपति के चुनाव का प्रस्ताव या जिस व्यक्ति के राष्ट्रपति बनाना है उसके नाम का प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 5 सदस्यों ने उसको समर्थन दिया हो, उसके बाद उसको जीतने के लिए भी कम से कम 50 सदस्यों की ही आवश्यकता होती है, कम से कम, अधिकतम कुछ भी हो सकती है। भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है? 6 माह के अंदर हर हाल में राष्ट्रपति के पद को, राष्ट्रपति चुनाव कराकर पद को भर जाना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी राज्य में अपने पद पर कौन रह सकता है? तो राष्ट्रपति राज्यपाल को मनोनीत करता है। तो जब तक मनोनीत करने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति की जब तक मर्जी है तब तक किसी भी व्यक्ति को जो राष्ट्रपति पद की एलिजिबिलिटी रखता हो उसको किसी भी स्टेट का राज्यपाल घोषित कर सकता है। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो संघ और संवर्ती सूची पर अध्यादेश जारी कर सकता है। जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किसकी अनुमति के बाद वह अधिनियम बन जाता है? राष्ट्रपति की अनुमति के बाद वह अधिनियम बन जाता है, ठीक है। अब क्या बचा है? वीटो पावर पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि वो छूट गई है, ठीक।
तो राष्ट्रपति के पास एक वीटो पावर होती है। वीटो पावर को क्या कहते हैं? वीटो पावर को पॉकेट पावर भी कहते हैं, हैं पॉकेट वीटो कहते हैं, और इसको जेबी भी कहते हैं। ठीक, ये अनुच्छेद 111 में दिया गया है। अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति की वीटो पावर के विषय में दिया गया है। यदि किसी विधेयक पर राष्ट्रपति सहमत नहीं देता है, ठीक है क्या, यदि किसी विधेयक पर राष्ट्रपति सहमत नहीं देता है, पुनः विचार करने के लिए संसद को वो वापस नहीं करना चाहता है, ठीक है, और वो संसद को वापस नहीं करता है, तो उसको पॉकेट वीटो कहते हैं। इस अधिकार का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैन सिंह ने डाक संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। क्या? ज्ञानी जैन सिंह ने डाक संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। कौन सा? संविधान संशोधन 1986। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।